हम मृदा और फसलों के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मृदा और फसलें। यानी कि मिट्टी और फसलें किस किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होती हैं, यानी कि मिट्टी के किस किस टाइप से उसके अंदर किस किस फसल के लिए कौन कौन सी फसलों के लिए किस टाइप की मिट्टी उपयुक्त होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमारे जो देश है वो विविधताओं का देश, हम जानते हैं हर जगह पे बहुत सारी वनस्पति जंतु सब कुछ प्रेजेंट होता है। इसीलिए जो अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग जगह हैं, उनकी मिट्टी क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग क्षेत्र में अलग अलग मिट्टी प्रेजेंट होती है। मिट्टी अलग अलग जगह पे पाई जाती, अलग अलग जगह पे अलग अलग पाई जाती है। इसके अलावा कुछ वातावरणीय परिस्थितियां होती हैं जो क्या करती हैं, मृदा को प्रभावित करती हैं। तो वो वातावरणीय परिस्थितियां हैं या फिर वातावरण के कुछ घटक होते हैं जो मिट्टी को प्रभावित करते हैं, जैसे मान लीजिए हवा, बारिश, जल, आर्द्रता, ये कैसे कारक होते हैं जो क्या मिट्टी को प्रभावित करते हैं। इससे मृदा क्या होती है, इफेक्टेड होती है। और ये मुख्य रूप से ये सारे कारक मृदा को, हमने मृदा के प्रोफाइल के बारे में पढ़ा था, ये कारक मुख्य रूप से मृदा की जो प्रोफाइल है उसको भी इफेक्ट करते हैं और मृदा प्रोफाइल को भी प्रभावित करते हैं। तो ये सभी कारक क्या करते हैं, उसको प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, ये जो जलवायु वे कारक हैं, यानी कि ये कारक क्या हैं, हमने आपको जो पिछला अध्याय था जब उसमें पढ़ा था जलवायु मौसम उसके बारे में, उस टाइम आपको बताया था जलवायु के कारक कौन कौन से हो गए, ये हवा, ताप, आर्द्रता, ये सब होते हैं। तो ये सारे जलवायु वे कारक और मिट्टी के घटक ये जलवायु वे कारक और मिट्टी के सारे घटक वो क्या करते हैं, ये सब मिलकर के एक जो स्पेशल कोई क्षेत्र है, कोई एक विशेष जगह है, उस विशेष क्षेत्र में उगने वाली फसलें और वहाँ पे जो भी वनस्पतियाँ हैं उन सब की किस्मों का क्या करती है, निर्धारण करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि फसलें वातावरण परिस्थितियों के अनुकूल ही तो होती हैं। अगर फसलों को वातावरण परिस्थितियाँ अनुकूल मिलती है तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, वो अच्छे से वहीं पे विकसित होती हैं और अच्छा उत्पादन देती हैं। तो कौन से ये क्या करते हैं, ये जो फसलें और वनस्पति होती है उसको प्रभावित करती है। क्षेत्र विशेष की फसलों व वनस्पतियों का निर्धारण इन घटकों और जलवायु कारकों के द्वारा किया जाता है। तो ये क्या कर रही है और ये घटक प्रभावित क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर फसल को उपयुक्त वातावरण परिस्थितियां नहीं मिल पाती है, अगर उसको अच्छी टाइप की मृदा नहीं मिल पाती है, उसके अनुकूल मिट्टी नहीं मिल रही है, उसके अनुकूल बाहर वातावरण नहीं मिल रहा है, तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि पोषण में भी बाकी सभी पार्ट, अब जो जितने भी पार्ट पढ़ाए हैं आपने आपको, कि हर जीव अपने आप को हर सिचुएशन में सर्वाइव करना चाहता है, वो सब कुछ करके अपनी अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है। हमने बहुत सारे जानवरों के बारे में भी पढ़ा था, जैसे वो क्या कर रहे थे, अपने आप को अनुकूलित कर रहे थे। और जब फसलों के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलेंगी, ना जो जलवायु की परिस्थितियां हैं, ताप है,
आर्द्रता है, ये सब चीज़ें जब इसके अनुकूल नहीं है और मिट्टी जो है वो भी इनके अनुकूल नहीं है, तो फसलें अच्छी कैसे होंगी। तो इसलिए इनका जो निर्धारण है वो कौन करता है, जलवायु परिस्थितियाँ और मिट्टी के घटक करते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी फसलों के लिए कौन कौन सी मिट्टी अच्छी होती है। तो देखिए, सबसे पहले आता है गेहूं और चना। गेहूं और चने, इसके लिए क्या होती है, चिकनी प्लस दोमट, चिकनी प्लस दोमट, ये मिट्टी क्या होती है, इसके लिए उपयुक्त होती है, इसके लिए ये मिट्टी बेस्ट होती है। यानी कि अगर गेहूं और चने को इस टाइप की मृदा में उगाया जाता है, चिकनी हो या दोमट हो, इन मिट्टियों में उगाया जाता है, यानी कि चिकनी हो या दोमट मिट्टी, तो इन मिट्टियों में क्या होता है, ये गेहूं और चने की फसल अच्छी होती है। क्योंकि किस तरीके से, देखिए जो दोमट मृदा है इसके अंदर दोनों के गुण प्रेजेंट है, बालू के भी और चिकनी के भी, तो इनकी क्या होती है, जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है। जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है, जल धारण क्षमता यानी कि जब फसल को जब वो ज़्यादा जल दे पा रही है, उसके अंदर जल रुक सकता है, उसको लंबे टाइम तक वो उस जल को उपलब्ध करवा रही है, तो फसल अच्छी होगी। इसीलिए गेहूं और चने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, चिकनी और दोमट। अगला आता है जैसे धान, जो चावल की खेती, धान की खेती, तो उसके बारे में है, इसके लिए क्या होता है, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, चिकनी मिट्टी उपयुक्त होती है, लेकिन उसके अंदर सारे जो जैव पदार्थ हैं जो उसकी ग्रोथ के लिए आवश्यक हैं वो सब प्रेजेंट होने चाहिए। इसके साथ साथ कोई भी फसल कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक सर्वाइव करेगी, जिसकी जल धारण क्षमता अधिक हो और मिट्टी के अंदर सारे जो आवश्यक तत्व हैं वो प्रेजेंट हो। क्यों? क्योंकि हमने पहले बता चुके हैं आपको कि जलवायु कारक और मृदा के घटक, ये सब मिल करके किसी क्षेत्र की फसल का निर्धारण करते हैं। अगर वहाँ पे अनुकूल परिस्थितियाँ तो फसल अच्छी होगी। तो धान के लिए चिकनी मिट्टी ज़रूरी होती है, लेकिन इसके साथ ही वो कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर जैव पदार्थों से वो समृद्ध होनी चाहिए। यानी कि उसके अंदर सारे जो जैव पदार्थ हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि मृदा अच्छे से, ताकि मृदा के जो कण हैं वो एक पादप को अच्छा लाइफ साइकिल दे सके, उसकी ग्रोथ को अच्छा कर सके। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, अगला, उसकी जो जल धारण क्षमता है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जल धारण क्षमता अच्छी होनी चाहिए। अगर धान के खेत को इस टाइप की परिस्थितियां मिलती हैं तो वो क्या करता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, धान की जो फसल है वो बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उसका अनुकूल परिस्थितियां मिल रही हैं, उसको जलवायु परिस्थितियां ऐसी मिल रही हैं कि वो उनके अंदर क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। चिकनी मिट्टी मिल रही है उसको, मृदा में उपयुक्त पदार्थ मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अच्छे से उसका उत्पादन होगा, फसल अच्छे से उसके अंदर ग्रोथ कर सकेगी। अब ये धान के बारे में पढ़ा, आगे ऐसे और उदाहरण हैं जैसे मसूर या दालें। दालें जो होती हैं, मुख्य रूप से दालों के बारे में है ये, इनकी दालों के लिए किस टाइप की मिट्टी चाहिए। देखिए, दालों के लिए दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट होती है, या फिर दोमट बोल सकते हैं आप इसको। दोमट मिट्टी कैसी होती है, उपयुक्त होती है। यानी कि अगर दालों को दोमट मिट्टी मिलती है तो ये क्या करेंगी, इसके अंदर अच्छे से ग्रोथ करेंगी। कैसे? क्योंकि देखिए, दोमट मिट्टी के अंदर चिकनी और बलुई दोनों के गुण प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उसके अंदर जल भी रुक सकेगा, जल धारण क्षमता उनके, यानी कि जल जो है कुछ गुण किसके शो करेगी, बलुई के, कुछ गुण किसके शो करेगी, चिकनी के। तो इसमें जो जल की निकासी है वो आसानी से हो जाती है, ये किसका गुण है,
आपको पढ़ाया गया है किसका गुण है ये, ये बलुई मिट्टी का गुण है कि पानी आसानी से बह के जा रहे हैं, किस लिए, क्योंकि उसके पार्टिकल्स कण बड़े बड़े होते हैं, इसलिए जल आसानी से बह के चला जाता है। तो इनमें क्या होता है, जल की निकासी आसान होती है। ये दालों के लिए परिस्थितियां हैं कि दालों के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां चाहिए। तो हम विभिन्न फसलों के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो कौन कौन से फसल के लिए किस किस टाइप की मिट्टी उपयुक्त होती है। तो पहले हमने गेहूं के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने धान, उसके बाद दालें, और अब आता है कपास। कपास, कपास भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कैसे, क्योंकि देखिए कपास के लिए क्या करना पड़ता है, ये हम इनसे हमें कपड़े मिलते हैं, रेशे मिलते हैं, तो ये क्या है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कौन सी मिट्टी ज़रूरी होती है, या तो बालू, बालू दोमट मिट्टी, या फिर खाली दोमट मिट्टी। अगर बालू दोमट मिट्टी होगी तो भी ये वहाँ पर इसका उत्पादन अच्छे से होगा, और अगर दोमट मिट्टी होगी तो भी आसानी से ये फसल वहां पे उग सकती है। और एक और विशेषता क्यों हो रही है इन दोमट मिट्टी में ये फसल, क्योंकि जल की निकासी क्या होती है, आसानी से हो जाती है, जल आसानी से प्रवाहित हो जाता है, जल की निकासी आसान हो जाती है। क्यों, फिर क्या होता है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उनके अंदर जो स्पेस है, तो पर्याप्त मात्रा में ये वायु को धारण कर सकती है। क्यों, क्योंकि हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं, से बलुई मिट्टी होती है, कण कैसे हैं, बड़े कण हैं, स्पेस ज़्यादा होगा तो इनके अंदर क्या भर सकेगी, वायु ज़्यादा भर सकेगी। वायु इनके अंदर ज़्यादा भर सकेगी। तो इस टाइप से कपास के लिए कैसी परिस्थितियाँ हो गई, बालू दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है, और जल की निकासी से क्या होती है, आसानी से प्रवाहित हो जाएगा, और जब इसके पार्टिकल्स बड़े हैं, इसके पार्टिकल्स बड़े हैं तो उनके अंदर वायु भी क्या होगी, आसानी से भर सकती है। तो ये था कपास के बारे में। अब आगे आता है गेहूँ। गेहूं के बारे में थोड़ी और जानकारी, गेहूं की फसल मुख्यतः चिकनी मिट्टी में उगाई जाती है। चिकनी मिट्टी क्या होती है, इसके लिए उपयुक्त होती है। जब ये चिकनी मिट्टी में उगाई जाती है तो ये उसके लिए बेस्ट कैसे होती है, देखिए इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। इससे क्या हो गया, ह्यूमस मात्रा ज़्यादा। तो जब ह्यूमस ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है इस तरह की मिट्टी में, तो वो क्या होगी, वो मिट्टी ज़्यादा उर्वर होगी, यानी कि उसके अंदर फसल बहुत अच्छे से हो सके। तो ये फसलें और मिट्टी, कैसे फसलें मिट्टी पे डिपेंड है और मिट्टी किस तरह से सहायता करती है फसलों की, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हम पहले पढ़ा हमने कि घटक कौन कौन से ज़रूरी होते हैं इसके लिए। अगर पादप को जलवायु के कारक और मिट्टी के घटक का मतलब, अगर अच्छी उसके प्रकार की उपयुक्त मृदा होती है, मान लीजिए हम हैं, हम अपने घर में रह रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ उपयुक्त परिस्थितियाँ मिल रही हैं, वहाँ हमें अच्छा माहौल मिल रहा है, इसीलिए हम वहाँ पे रहते सर्वाइव कर सकते हैं। तो हर जीव क्या कर रहा है, अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, तो वो भी क्या करेगा, अगर उसको दूसरी जगह अच्छी परिस्थितियाँ मिलती हैं तो वो वहाँ पे भी आसानी से ग्रोथ कर सकता है। और मुख्य रूप से क्या ज़रूरी चीज़ें, जलवायु के जो कारक हैं जैसे ताप, दाब, प्रकाश, ये सब, और मिट्टी, अगर ये उपयुक्त होती हैं तो फसल
अच्छी होती है। और ये सारी चीजें क्या करती हैं, ताप दाब आर्द्रता ये मिट्टी को प्रभावित करती हैं, मिट्टी को इफेक्ट करती हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए हवा चलती है तो मिट्टी की नमी कम हो जाती है, बारिश होती है तो उसके अंदर नमी ज्यादा हो जाती है, ताप प्रकाश इसी तरह से हर चीज कैसे कर रही है, ये जलवायु के जो कारक है वो मिट्टी को इफेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद जैसे चिकनी मिट्टी, कौन कौन सी फसल के लिए कौन कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है उसके बारे में हमने पढ़ा, गेहूं और चना चिकनी और दोमट मिट्टी में उगता है। अगर इनको चिकनी दो या दोमट मिट्टी मिलती है, चिकनी मिट्टी दोमट मिट्टी, तो उनमें ये अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। किस लिए, क्योंकि इनकी जल धारण की क्षमता अधिक होती है। हम पढ़ चुके हैं पहले इनके बारे में डिफरेंस, बलुई चिकनी और दोमट के बारे में, तो इनके जल धारण क्षमता अधिक होती है, इस कारण से ये फसलें क्या होती हैं आसानी से यहाँ उग सकती हैं। इसके बाद आता है धान, यानी कि धान या चावल की जो खेती होती है उसमें, उसके लिए चिकनी मिट्टी उपयुक्त होती है, लेकिन वो भी कौन सी चिकनी मिट्टी, जिसके अंदर उसके लिए आवश्यक सभी पदार्थ प्रचुर मात्रा में हो और उसकी जल धारण क्षमता उस मिट्टी की बहुत ज़्यादा हो, यानी कि वो आसानी से जल को धारण कर सकती हो और उस पादप को उपलब्ध करवा सकती हो। तो ये धान के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ चाहिए कि इस टाइप की चिकनी मिट्टी में और जल धारण क्षमता वाली मिट्टी में धान की फसल खूब अच्छे से ग्रो होती है। और इसीलिए ये ऐसे ही स्थानों पर उगाई जाती है जहाँ इसको उपयुक्त परिस्थितियाँ मिलती हैं। भारत के हर इलाके में चावल या धान की खेती नहीं की जाती है, क्यों, क्योंकि उसको उपयुक्त परिस्थितियाँ नहीं मिल पाती हैं। कुछ वातावरणीय कारक हैं, जो वातावरणीय कारक जब उसको इफेक्ट कर रहे हैं तो वो वातावरणीय परिस्थितियाँ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ इसको वातावरणीय परिस्थितियाँ उपयुक्त नहीं मिलती, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ इसको मिट्टी इस टाइप की नहीं मिलती है, तो इनमें क्या होता है, इस फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। और सभी फसलें स्पेशल जगह पर इसीलिए की जाती है क्योंकि उनको वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ मिलती है जहाँ वो सर्वाइव कर सकती हैं, और फसलें उगाई ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे उस टाइप की फसल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो ये इसके बाद आती है दालें, दालों के लिए कौन सी मिट्टी, दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है, क्यों, क्योंकि दोमट के अंदर दोनों के गुण उपस्थित होंगे, चिकनी के भी और बलुई के भी, और इसके अंदर जल के आसानी से प्रवाहित हो सकेगा, इसलिए इनके लिए दालों के लिए दोमट मिट्टी क्या होती है, उपयुक्त होती है। नेक्स्ट आता है कपास, कपास के लिए बालू और दोमट मिट्टी दोनों कैसी होती हैं, उपयुक्त होती हैं। और बालू और दोमट का अगर कहीं पे मिश्रण है, यानी कि दोनों मिट्टियां हैं, दोनों टाइप की मिट्टी में सर्वाइव कर सकती हैं, तो और इनकी विशेषता क्या, अगर किस लिए इनमें सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि इनकी जल की जो निकासी है वो आसानी से हो सकती है, यानी जल आसानी से इसके अंदर प्रवाहित हो सकता है, तो इसलिए इन दोमट बालू मिट्टी में सर्वाइव कर सकती हैं। और देखिए जब बालू मिट्टी है, बड़े कण होंगे, जल आसानी से बहेगा और वायु इनके अंदर आसानी से भर सकेगी, इसलिए इनके लिए कैसी मिट्टी उपयुक्त होती है, बालू मिट्टी। और नेक्स्ट आता है जैसे गेहूं के लिए चिकनी मिट्टी उपयुक्त है, लेकिन उसमें भी क्या स्पेशलिटी है, उसके अंदर ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा, ह्यूमस क्या, ह्यूमस वो होता है जो पादपों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि सड़े गले पदार्थ या फिर जो भी अपशिष्ट हैं वो सब गल के ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जो क्या होते हैं, पादप के लिए ज़रूरी होते हैं, पादप की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उस जिस मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी वो मिट्टी कैसी होगी, वो ज़्यादा उर्वर होगी, उसके अंदर फसल का उत्पादन ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि मिट्टी और फसलें दोनों एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करती है। अगर पादप को, फसल को या वनस्पति को उपयुक्त परिस्थितियाँ मिलती हैं तो उसका उत्पादन अच्छा होता है, उपयुक्त मिट्टी मिलती है, ताप दाब आर्द्रता वातावरणीय घटक उसके अनुसार मिलते हैं तो फसल अच्छी होती है। तो इस तरीके से ये दोनों, मृदा फसलों को प्रभावित करती है और फसलें मृदा से प्रभावित होती हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट और लाइक करके हमें अप्रिसिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारे वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर
शेयर करके हमारा साथ दें।